श्री राम लीला समिति से कहां पर बरगद का पेड़ है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपकी दोस्त शशि प्रियराज मोहाई मैं सबका स्वागत करती हूँ। तो जय माता दी और आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है दशहरा और सुबह के 9 बज रहे हैं, चल रहे हैं खाना बनाने क्योंकि आज मेला है। जल्दी जल्दी खाना बना के फाइनल कर लेंगे क्योंकि शाम को मेला जाना है घूमने और आप लोग को भी हमारे साथ जाना है मेला हमारे यहाँ का। तो ये देखिए जब किचन में आ गए हैं, अभी सिर्फ चाय पिया है, नहा धो के चाय पी लिया, अब बनाएंगे खाना। और खाना आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाएंगे कि शाम को ज़्यादा बनाने का ना हो, क्योंकि मेला जाएंगे देर में आएंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी बनाना खाने में दिक्कत होती है। इतने घूम के आने के बाद मन नहीं करता किचन में काम करने का। और फिर और आज माता रानी का मतलब कल ही आखिरी दिन था और आज विसर्जन ही है हमारे यहाँ, कल विसर्जन है क्योंकि दशहरा है। तो माता रानी हमारे विदा हो चुकी हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। 7-8 दिन इतनी रौनक थी और आज रौनक ही नहीं है, ये भी चलता रहेगा। पर ये बात नहीं सोच के दुखी होना, ये सोचना है कि अगले साल माता फिर आएंगी, फिर खुशी आएगी। और वैसे माता रानी तो हमेशा हमारे हम लोग के पास ही रहती हैं, ये तो बस एक परंपरा है ऐसे। तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो हो जाएगी देर और देर हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा लेट। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आज देखिएगा मेला हम सब के साथ दशहरे का, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दशहरा। आज खाने में दाल की पूड़ी बनेगी। तो दाल रात में भिगो के रखी है, तो अभी चने भीज दिए, अब इसको हम भूनेंगे। भून के तुम पाउडर बना देंगे, फिर इसमें मसाला हल्दी नमक वमक मिर्ची वर्चा मिला के उसके बाद आटे में भर के पूड़ी बनाएंगे। तो ये दाल की पूड़ी बनेगी स्पेशली यूपी में, मतलब हमारे यहाँ इलाहाबाद में। तो जब धान लगता है, बेहन लगती है खेत में, एक खेत से निकल के दूसरे खेत में, तो जो दाल की पूड़ी है तो स्पेशली बनती जरूर है। और ऐसा कहा जाता है कि दाल की पूड़ी के अंदर जो मतलब आटे में जो पूरन भरा जाता है वो जितना ज़्यादा खूब मतलब उसको ठूस ठूस के भरते हैं और वो जब पूड़ी तोड़ने के बाद वो गिरता है, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रभु से इच्छा करते हैं कि इसी तरह धान की खेती बहुत अच्छी हो ढेर सारे धान हो। तो इसलिए इसको बनाया जाता है दाल की पूड़ी जिस दिन बेहन लगती है खेत में। तो आज ये हुआ कि आज दाल की पूड़ी बना लिया है। अगर वैसे तो आप कभी बना सकते हो, स्पेशली उस दिन ये बनती जरूर है। तो चावल चढ़ा दिया है, दाल बनाएंगे, दाल की पूड़ी चल रहे हैं, पेस्ट बन गया, चलो इसको भूनने। और कल हमारे चावल सेट होने को है और ये अभी देखिए कैसे है ना, एकदम स्टिकी। अभी एकदम ये पाउडर करना है और बहुत हाथ दर्द होने लगते हैं चलाते तो जल्दी जल्दी पाउडर करने का, पानी एकदम सुखा देंगे ये एकदम पाउडर हो जाएगा, ऐसे करने पे ऐसे गिरने लगेगा। तो अभी ये देखिए कितना, देखिए अभी इसको सब सुखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अभी ये हो गया है पाउडर, 2 मिनट और चलेगा, इसके बाद ये देखिए हो गया ना। बहुत मेहनत लगती है इसको चलाने में, देखिए हाथ की बैंड बच जाती है, देखिए अभी ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा। इसमें आपको ढेर सारे मसाले लहसुन का पेस्ट ये सब डाल के खूब अच्छा एकदम चटर पटर होना चाहिए। अपने यहाँ तो नमकीन बनती है पर हमने सुना है महाराष्ट्र में ये इसको मीठी पूड़ी की तरह रखते हैं, इसमें गुड़ डालते हैं। आओ मैया।
तो खाना तैयार हो गया है। तो आप लोग को खाना है तो आ जाइए, सोयाबीन की सब्जी, दाल की पूड़ी और चावल। तो फटाफट आ जाइए खाना खाने। हेलो, ये देखिए, अब जिस दिन मेला था उसी दिन पता चले किचन का भी सामान आ गया। तो ये सारे सामान ऐसे बिखेर के हम लोग बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है बेचने। तो सारा सामान सब बिन के साफ सुथरा करके डिब्बे में भर के और जो स्टोर किया गया, तो ये भी एक काम आ गया इतने काम के बीच में। तो जल्दी जल्दी ये सब किया गया। ये बेटू के फ्राइडे का नाश्ता है बेटू, और ये सब गृहस्थी का किचन का सामान, जानते हैं बथेरा सामान होता है, और सब वही सब लाया हुआ है। तो ये हुआ कि इसको फटाफट रख के ख़त्म किया जाए, नहीं तो मेला जाने में देर हो जाएगी। और आज का तो सिर्फ यही था कि जल्दी से काम ख़त्म करो और मेला जाओ। तो इसको जल्दी जल्दी फिनिश किया हम लोग ने, और फिर हम लोग मेले के लिए तैयार हो गए। हम लोग जा रहे हैं मेला, आप लोग भी चलो मेला। ये देखो ये देखिए मूर्ति आ रही है विसर्जन के लिए, और हम लोग जा रहे हैं मेला चांदनी। आज हम दोनों तो ये देखिए हम लोग चौराहे तक पैदल जा रहे थे, तो फिर वहाँ से देखा कि दूसरे गांव की मूर्ति विसर्जन के लिए रहे। तो यहाँ बच्चे प्रसाद दे रहे थे, तो प्रसाद लिया, तो बच्चे नाच कूद रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। तो देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब। तो जल्दी जल्दी हम लोग चौराहे की तरफ निकले, और ये देखिए टुक टुक में मूर्ति थी, तो पर्दा बंद था तो दिखाई नहीं दी। हम लोग जा रहे हैं मेला, अब हम लोग आपको मिलते हैं मेले में। देखिए सब लोग जा रहे हैं मेला। थोड़ा कम भीड़ के लिए ये देखिए मेला। एक भी टारगेट अधिक पहुंचने की कृपा करे। नवयुग दुर्गा पूजा कमेटी हनुमानगढ़ी के उपाध्यक्ष शक्ति खत्री जी का आगमन आपका कमेटी स्वागत और अभिनंदन करती है। अनंतलाल केसरवानी जी का कमेटी स्वागत और अभिनंदन करती है। हेलो, जैसा कि बस मेले में खुद कुछ क्षण में आप पहुंच जाएगी, आप शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। राम नाम का जाप करके ये अहंकारी विनाशी है, जिसने रावण का नाश किया वही अयोध्या वासी है। बोलो जय श्री राम। ये सब को सबको रहा, आप लोग लाइन से बाहर हो जाइए, माताओं बहनों को खरीदारी करने दीजिए, रास्ता छोड़ के हट जाइए। आज दीवाली का समिति मऊआनी मम्मी की चाहिए खोले ले आज के सामने संपन्न हो रहा है। में सिर्फ तख्ता ही तख्ता है। तो ये देखिए, तो हम छोटे हैं नहीं, तो बहुत दूर तक तख्ता ही तख्ता था।
तो लो यहाँ तख्ता लेने अभी तक बिक रहा है। तो ये देखिए तख्ते वाला मेला आपकी बड़ी बहन मंच के साथ मंच के पास इंतजार कर रही है। इसमें आप फ्रेंड्स, थोड़ी देर में फिर सारी झांकियां भी आने लगी और ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम हम लोग झांकी देख रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग घर चले जाते थे। तो ये देखिए डीजे है, राम लक्ष्मण जी की झांकी आ रही है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए लक्ष्मण, जब हम लोग झांकियां देख के निकले तो ये हुआ कि बहुत भीड़ हो चुकी है, भाग चुके लोग घर। तो यहाँ ये भैया हमारे गांव के हैं तो हम लोगों ने कहा गोलगप्पे खा लेते हैं। तो गोलगप्पे खाए और जल्दी जल्दी भीड़ से बाहर निकले। हाय फ्रेंड्स, खाजा खा लीजिए, हो गई है रात। हम लोग मेला गए थे, वहाँ से नाश्ता पानी कर लिया। जब भूख नहीं है बस पानी पियेंगे और सो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हैप्पी दशहरा, गुड नाइट, बाय बाय।